हेलो हेलो हेलो, हाय माय मूनलाइट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज निशू डिजिटल क्वीन। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी एक्साइटिंग होने वाली है। वो मेरी नायका हॉल भी है एंड इट्स टोटली अबाउट माय हाउस हेल्प को मुझे मेकअप करना है। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग और काफी एक्साइटेड होने वाली है। आई होप कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ना उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे आप डायरेक्टली जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जो आज हमारी वीडियो की गेस्ट होने वाली हैं वो हैं जल्दी से मैं आपको मिलवाती हूँ। गाइज, आज का जो मेकअप होने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 आइटम से हम लोग करेंगे। और अब मैं शांति को बुला रही हूँ और शांति शी इज़ माई हाउस हेल्पर। और आज मुझे कुछ वैरायटी करनी थी, कुछ एंटरटेनिंग करना था, कुछ यूज़फुल देना था आप लोगों को। तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ हटके करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मेरी हाउस हेल्पर को, शी इज़ शांति। शांति प्लीज़ कम, ये हमारी शांति मैडम। और अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी आप लोग समझ ही सकते हैं क्या हो जाती है अगर हमारी लाइफ में हमारी हाउस हेल्पर ना हो तो। और ये हमारी एक्चुअली शांति मेरी हाउस हेल्पर ही नहीं, मेरा एक हाउस मेंबर ही है मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं पूरे दिन जब ये आती है तो मैं इसी के साथ ही बातचीत करती हूँ। एक अच्छा हमारा बॉन्ड है दोनों का। और वैसे भी मेरी जो भी मेट्स है ना गाइस, सबके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ इनको मैं अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही समझूं। तो शांति, कुछ बताना चाहेंगे आप दीदी के बारे में? दीदी आपको कैसे लगती है? नमस्कार, प्रणाम। मैं शांति। दीदी मेरी बहुत अच्छे हैं। इसको थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ी शर्म आ रही है, क्या बोलूं। कोई बात नहीं गाइज, हम जल्दी से इसका स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और देखते हैं कैसा मेकअप होता है। चैलेंजिंग थोड़ा ये है कि स्किन टोन मुझे पता नहीं था, बट स्टिल मैंने प्रोडक्ट मंगवा ली है। आई होप कि इसके स्किन पे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो, अच्छा सा जाए। और मैंने इसकी स्किन को पूरा मॉइस्चराइज कर लिया है, फेस वॉश करवा कम्प्लीटली इसकी स्किन अभी मॉइस्चराइज हुई हुई। मुझे 5 प्रोडक्ट्स पे ही इसका मेकअप करना था, तो आई डोंट हैव एनी कंसीलर एनी प्राइमर। सीधा मैं अप्लाई करने जा रही हूँ LA 18 का लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। ये स्पंज था गाइज, इसको मैंने थोड़ा रनिंग वाटर में वॉश करके, इतना आप इसका पानी स्क्वीज कर सकते हैं, इसको निकाल लीजिए ऐसे ऐसे करके, देन आप इससे मेकअप स्टार्ट कीजिए। वो काफी अच्छा ब्लेंडिंग भी करेगा और मेकअप का जो आपका लुक आएगा वो भी काफी फिनिशिंग और फ्लॉलेस आता है। शांति हल्का सा आईज ऊपर कर। हाँ, आई होप गाइज यार ये फाउंडेशन इसके स्किन में जाए, लग तो मुझे रहा है क्योंकि ये इसी की स्किन का ही है कि लेट्स सी। एक तो शांति ये जो इतनी बड़ी अपनी वो पहनती है नाक में, तुझे ज्यादा औरत बनने का शौक आता है क्या? फाउंडेशन अगर आपको अच्छा मिल जाता है ना आपके स्किन टोन का, तो ये ऑटोमेटिकली समझ लो ये वरदान है आपके लाइफ में। चाय पी ली थी तूने? चाय पी ली थी, आपको कुछ तकलीफ भी नहीं की? नहीं, मैं पैसे भी पीती नहीं, तुझे पता है यार, वैसे भी चाय आपको पता है कि मेरा शौक है चाय का। चाय पियो आप। गाइस वैसे अभी तक का अगर मैं इसका फाउंडेशन का रिव्यू दूं तो फाउंडेशन तो अच्छा है, स्किन में अच्छे से काफी ब्लेंडिंग इसकी बहुत अच्छी जा रही है, कवरेज काफी अच्छी दे रहा है। और बाकी मैं फाइनल टच होने के बाद ही बता पाऊंगी कि फाउंडेशन ने क्या वर्क किया है, क्योंकि इसके स्किन कलर पे मुझे लग रहा है ये जा भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा इसके स्किन के अकॉर्डिंग। पर ये करवाती भी नहीं है ना इसलिए। आपके अंदर अगर आपका बेस अच्छा बन जाए ना तो समझ लो आधा तो आपने बाजी जीत ही ली है। शांति थोड़ा अपने भैया के बारे में बताओ, भैया कैसे लगते हैं तुम्हें? भैया
भैया अच्छे लगते हैं। भैया ज्यादा अच्छे हैं, मैं ज्यादा अच्छी हूँ? आप दोनों अच्छे हो। नहीं नहीं, दोनों में से एक का बताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो मुझे आप ही बेस्ट लगते हो। नहीं वो तो भाई, वो भी है ना, मैं साथ रहती हूँ ना। भैया तो थोड़ा सा गुस्सा भी करता है ना। हाँ, उतना भी नहीं करते हैं भैया गुस्सा। नहीं भैया बेचारा वैसे कुछ बोलता ही नहीं है यार, जल्दी से उसको कुछ मांगना भी होता है वो मांगता भी नहीं है। भैया थोड़ा शर्माते हैं। हाँ मैं तो बोल भी देती हूँ भैया चाय ले जी। हाँ ये तो बात करती रहती है वैसे सागर से, और वो रिप्लाई भी देता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ ये है, वो थोड़ा शाई नेचर का है, वो तो बात थोड़ी कम करता है, वो सिर्फ मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड रहता है। गाइज जो अभी फाइनल टच इसका आफ्टर फाउंडेशन का है वो कुछ ऐसा है, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि ब्लेंडेबल तो है भाई, और अच्छी कवरेज भी है, और फाउंडेशन आई थिंक इसके स्किन टोन का ही है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जाती हूँ, और आपको पता ही है क्योंकि हमारे पास पांच ही प्रोडक्ट है, पांच प्रोडक्ट में ही हमें इसका लुक क्रिएट करना है। तो अब सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं जो कि उसका कॉम्पैक्ट है, LA18 का ही मैंने कॉम्पैक्ट लिया है। फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट हमेशा सेम ब्रांड का हो तो ज़्यादा अच्छी कवरेज, ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन पे आपके शो होता है। लोग हैं मैं और सागर ही हैं, और जब ये आती है तो इससे अच्छे खासा खुल के मैं बात कर लेती हूँ, अच्छी बुरी ये भी मुझे अपने बारे में सब बता देती है। तो यार हेल्पर्स भी अगर आप अपने इनको फैमिली मेम्बर समझो ना यार, तो ये भी आपको सब कुछ देने को तैयार होते हैं। तो मेरे हिसाब से हर घर में हेल्पर को थोड़ा सा प्यार से और अच्छे से रखना ही चाहिए। शांति क्या कहती है? सब कोई आपके जैसा थोड़ी ना रहते। नहीं मेरे जैसे नहीं रहते लेकिन होना चाहिए ना ऐसा सबको। हाँ, ऐसा होना चाहिए। बट हाँ कुछ मेड्स भी थोड़ी तेज होती हैं। हाँ। बट हाँ, बट शांति का क्या है कि जो अच्छे होते हैं उनका भी फिर लोग उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। थोड़ा अपने हेयर्स को पीछे कर शांति अच्छे से। हाँ क्योंकि अब मैं इसको अच्छे से एक बार कॉम्पैक्ट को इसका ब्लेंड कर देती हूँ। कुछ तो देखो यार, मैं लुक तो क्रिएट करके ही मानूंगी, कुछ बढ़िया करूंगी या कुछ खराब कर दूंगी, लेकिन करके जरूर मानूंगी। अगर मेरे मामा की लड़कियां ये वीडियो देखेंगी ना तो उनको काफी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसी हरकतें बहुत करती हूँ। ये हैक ये है कि आप पहले अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए अंदर की तरफ, गाइज ऐसे आपकी लिप लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना चाहिए ना, इसको जितना हम अपने इससे फिल कर सकते हैं, लिप लाइनर से ही फिल कर सकते हैं, हमें उतना उसको फिल कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है आपकी लिपस्टिक की ना बहुत फाइन शेड आती है, बीच में लाइंस नहीं आती हैं, और जो भी लिपस्टिक आप अप्लाई करोगे ना तो वो अच्छे से ब्लेंडेबल रहने की लिपस्टिक है गाइज, बट मुझे ये बहुत ज्यादा खास नहीं लगती है। सब कलर के आता है ना दीदी? हाँ ये पॉपअप वाली होती है, इसको आप पॉप करो, इसको आगे करो। ये नई लिपस्टिक हो गई आप। अच्छा बट आई डोंट लाइक दैट लिपस्टिक, वेस्ट ऑफ मनी। इसको मैं ऑनलाइन पे देखी थी। सब देख लेती है ऑनलाइन, सब देख लेती है, पूरा फोन चला लेती है लड़की, हमसे ज्यादा सारी खबरें, सारे सोसाइटी की खबरें देने वाली भी यही है मेरे को। दीदी आपको पता है ये हो गया, दीदी आपको पता है ये हो गया। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है, बहुत लाइट टोन में मैं रखूंगी इसको, जो बस हल्का सा एक पॉपअप सा दे स्किन पे कि कुछ पिंकिश पिंकिश आ रहा है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, काफी लाइट सा शेड अभी शो कर रहा है। आई थिंक आई डिड अ फैब जॉब। मेरा पूरा मेकअप के अंदर जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है दैट इज अ मस्कारा वन जो अभी हम करेंगे, और ब्लशर लगाना। आई जस्ट लव दीज टू। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं इसको तंग नहीं करती हूँ, ये लड़की मुझे इतना इरिटेट करती है मैं आपको बता भी नहीं सकती, हर काम उल्टा सीधा करती है, और मेरे को काफी इरिटेशन, आधा तो मेरा गुस्सा दिलाने वाली यही है। मैं गुस्सा हो क्या करूँ, गुस्सा होके मारू उसको। और प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो गाइज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज निशू डिजिटल क्वीन। मैं काफी मेहनत कर रही हूँ यार, आप लोगों को पसंद आए। बिल्कुल पसंद आएगा। हाँ पसंद आए, देखो ये भी बोल रही है बेचारी, अपने हिसाब से बता सही लग रहा है तो अपन। अब गाइज हम लोग काजल पे चलते हैं, आईज हल्का सा ओपन होता है, घर से भी काजल लगा के आती है ब्लैक। नेचुरल आई, मैंने लगा देखो इसकी नेचुरल इतनी ब्लैक आईज है।
इसको काजल भी लगा दिया, अच्छी तो लग रही है, ऐसी बात तो नहीं है। थैंक यू। गाइस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। मेरे लिए बड़ा लाइफ सेवर है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आई के मेकअप नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। और मुझे इसके जो पूरा लुक था ना उसको थोड़ा एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे इसे यूज कर रही हूँ। आईज क्लोज कर लो मैडम। आईज आप बंद ही रखना जब तक अंटिल मैं आपको ना बोलूं। ओके अभी ये बोल नहीं रही है, तो ये उल्टी सीधी बातें इतनी करती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। बोलूंगी ना जब फ्री हो जाऊंगी तब। कैमरा बंद करने के बाद है आपका दिमाग चाटूंगी। नहीं मैं कोशिश तो कर रही हूँ जितना जो भी नॉमिनल हमारे पास सामान है उसके हिसाब से अच्छा सा लुक नजर रखूंगी। वैसे मस्कारा तो इसका मैं बोलूंगी आई लाइक द मस्कारा क्योंकि काफी अच्छा वॉल्यूम इसकी आईज को दे दिया है। लिपस्टिक भी मैंने इसके लिए कलर रेड में ही मंगवाया है क्योंकि ये ज्यादातर रेड और मरून काइंड ऑफ कलर ज्यादा अप्लाई करती है अपने लिपस्टिक। गाइज अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं फेस मिस्ट का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। दैट इज अ सेटिंग स्प्रे फ्रॉम एल्फ जो मैं पर्सनली अपने लिए भी यूज करती हूँ। आईज क्लोज कर ले तू और खोलना नहीं है जब तक मैं ना बोलूँ, ठीक है? बस अभी आपको थोड़ी देर बंद रखना है, इसके स्किन के अंदर ना ये और भी अच्छे से मर्ज हो जाएगा जैसे जैसे ये सूखता है, तो इससे कि आपका मेकअप कम्प्लीटली फिक्स हो रहा है। तो ये फाइनल लुक है हमारी शांति का और आई थिंक मैं जितना 5 प्रोडक्ट के साथ इसको अच्छा या इसके स्किन में जो भी बेस्ट पॉसिबल मैं कर सकती थी 5 प्रोडक्ट के साथ, तो वो मैंने कर दिया है। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसका मेकअप कैसा लगा क्योंकि अपने तरफ से मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं इसको और ज़्यादा सुंदर दिखा सकूं। मुझे तो काफ़ी वैसे ब्यूटीफुल लग रही है, थोड़ा सा मुझे लिपस्टिक इसका थोड़ा ज़्यादा पॉपअप दिख रहा है इसके पूरे लुक में। शांति बताएगी, शांति कैसा लग रहा है आपको? शांति बहुत खुश है। चल शांति कभी और भी मैं तेरा ट्राई करूंगी अच्छे से जब हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स होंगे, है ना, आई शेडो वगैरह सब कुछ। दीदी का चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।